लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। बिरबल, बिरबल, कहाँ है बिरबल? इधर, बिरबल इधर है। अच्छा, क्या है? आप हैं बिरबल? हाँ। आपको आलमपना ने याद फरमाया, आइए आइए अंदर आइए। आलमपना ने बुलाया, चल बेटे, चल चल। अबे आलमपना बुला रहे हैं, इसे कहाँ ले जा रहे हैं आप? इसे यहीं रहने दीजिए। हाँ हाँ, मैं संभाल लूंगा इसे, आप बेफिक्र रहिए। इसे बड़ी नाजों से पाला है। मैं संभाल लूंगा। संभालना आलमपना। आइए आप यहीं ठहरिए, आलमपना अभी तक। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे साथ एक किसान भाई आए थे, वही तो हमको यहाँ लाए हैं। अब पता नहीं कहाँ चले गए, उनको बुला दीजिए, हमारा जी घबरा रहा है। आप इत्मीनान रखिए, वो भी आपसे मिलेंगे। शक करते थे, वो तो सच्चा निकला। हो सकता है बादशाह से भी मिलवा दे। जब इन शहंशाहों की तस्वीरों से तुम इतना घबरा रहे हो, तो शहंशाह अकबर जब सचमुच सामने आ जाएंगे तब क्या होगा? बाजार में इतनी भीड़ के सामने बाबरे आजम और शहंशाह हुमायूं का तुमने मजाक उड़ाया। पापी पेट के लिए सच को झूठ और झूठ को सच बनाना पड़ता है। हे भगवान, बुद्धि भी पेट के लिए। अगर कहीं किसान भाई ने शहंशाह अकबर से हमारी शिकायत कर दी तो? बीरबल, सलाम सलाम, तुमसे कोई गुस्ताखी हुई क्या? सलाम 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 सलाम। बीरबल कौन है भाई? आलमपना, शहंशाह, अशाह सम्राट, प्रजापालक, भाग्य विधाता। घबराओ नहीं बीरबल, इत्मीनान रखिए, हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सामने बैठे वो तो भला वो किसान भाई का जिसने हमें आपके दर्शन करा दिए, हम उसके आभारी हैं। वो देहाती जरूर है, लेकिन मेरा किसान भाई सच्चा है। बीरबल, सुना है कि आप हमारे दादा जान बाबरे आजम से अच्छी तरह वाकिफ थे, और फिर हमारे मरहूम वालिद नसीरुद्दीन हुमायूं आपसे
मशवरा भी लिया करते थे। और वो कोहिनूर हीरा कहां मिला था आपको, जो आपने हमारे दादाजान को दिया था? कोहिनूर हीरा आलमपना, उस हीरे को मैंने तो क्या मेरे बाप दादों ने भी कभी नहीं देखा। इस मूर्ख किसान ने हमें फंसा दिया। रास्ते में मिला था आलमपना, हमने सोचा मित्र है, बातचीत करने लगे, हंसी मजाक करने लगे, अब वो यहाँ आकर शिकायत करने लगा। नादान की दोस्ती बड़ी खतरनाक होती है आलमपना। बेशक बेशक बिरबल, हमने भी सुना है कि आप रोतों को फंसा देते हैं और फिर मुर्दा दिल लोगों को भी हंसने पे मजबूर कर देते हैं। हम तो लोगों को हंसाते हैं, हंसी जिंदगी का सच है आलमपना। अब देखिए ना, जब छोटा बच्चा हंसता है, खिलखिलाता है, तो ऐसा लगता है जैसे सितारे झिलमिला रहे हो, और जब जवान हंसता है तो लगता है जैसे आफताब निकल आया हो, जब बूढ़ा जब मुस्कुराता है तो ऐसा लगता है आलमपना कि जैसे डूबते हुए सूरज की लालिमा उभर कर आ गई। बहुत खूब बिरबल, बहुत खूब, हम आपसे बहुत मुतासिर हैं। अब देखिए ना आलमपना, जिंदगी और हंसी में कितना गहरा रिश्ता है, इसलिए हम तो लोगों को हंसाते रहते हैं, हंसाने का पेशा ही करने लगे हैं। जिंदगी गमों से भरी हुई है, आदमी जब थका हारा हो, दिल टूट चुका हो, शिकस्त खा चुका हो, ऐसे में कुंठा की धुंध उसे लपेट लेती है। उस कुंठा की धुंध को सिर्फ एक कहकहा उड़ा देता है। आलमपना, हम तो लोगों को हंसाते हैं, लोग जब हंसते हैं तो फसलें दूनी हो जाती हैं, फूलों में बहार आ जाती है। आलमपना, अगर लोगों को हंसाना गुनाह है तो जो चाहे सजा दीजिए। बीरबल, आपकी यही खूबियां हैं जो आपको हमारे दरबार तक ले आई हैं। बेशक हंसना जरूरी है, लेकिन जो ज्यादा हंसेगा फंस जाएगा। उस मूर्ख किसान ने ये भी बता दिया। आलमपना, पेट के लिए क्या क्या दंत फंद खेलने पड़ते हैं, चेहरे पर चेहरा लगाना पड़ता है। अब आपके सामने जब सारी पोल पट्टी उस मूर्ख किसान ने खोली दी है, तो ये दाढ़ी भी क्यों रहे, नकली है। गुस्ताखी माफ आलमपना, अभी आप ही ने कहा था ना, आदमी को हंसने और फंसने के बीच में रहना चाहिए। बिरबल, आप जैसे काबिल और जहीन लोगों की हमारे दरबार में खास जरूरत है। आज से हम आपको अपने खास दरबारियों में शामिल करना चाहते हैं। शुक्रिया आलमपना, आप जिस पत्थर को भी चाहें तराश कर हीरा बना सकते हैं। सलाम। शुक्रिया आलमपना, शुक्रिया, शुक्रिया आलमपना, शुक्रिया, 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 शुक्रिया। आदम, बा मुलाहिदा, होशियार, सिकंदरे दाना, शहंशाह हिंदुस्तान, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दरबार खास में रौनक अफरोज हो रहे हैं। बयान किया जाए कि आप लोगों को मालवा से हमारे दरबार में हाजिर होने का सबब क्या है? आलमपना, हमें आपकी इंसाफ पसंदी और इंसान दोस्ती की शोहरत यहाँ खींच लाई। हमारी नजर में आपके अलावा कोई नहीं जो हमारा गम सुन सके, हमारा दुख समझ सके। सम्राट,
हम मजबूर हैं, हम पर जुल्म हो रहे हैं, हमारे सम्मान की रक्षा कीजिए। हमारा सुल्तान बाज बहादुर बह गया, उसकी वजह से उसके बाप दादा की इज्जत को बट्टा लग रहा है। आलम पना, हकीम वक्त की जरा सी लापरवाही रियाया को तबाह कर देती है। हमारा बाज बहादुर बहुत ही खूबियों का मालिक है, वो खानदानी सुल्तान है। उन्होंने हमारे मुल्क को बहुत सजाया, बहुत संवारा है, लेकिन आलमपना, शराब और शबाब ने मिलकर न जाने कितनी हुकूमतों को खाक में मिलाया है। कैसे कैसे लोग ऐसे वैसे घूम रहे हैं। हमारे सुल्तान को बदकिरदार और लालची ओहदे वाले तबाह करने पर तुले हुए हैं। आलमपना, बाज बहादुर के ओहदेदार अय्याश हैं। वो अपनी हवस की आग को बुझाने के लिए शरीफ घराने की बहू बेटे को उठाकर ले जाते हैं। आलमपना, बाज बहादुर की गफलत और लापरवाही उसे तो बर्बाद करेगी ही, साथ ही हमारे मुल्क को भी बर्बाद कर देगी। आलमपना, बाज बहादुर की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, और अगर वो बेखबर है तो उसका हुकूमत करने का कोई हक नहीं। आलमपना, हमें आपकी मदद दरकार है, हमें इस मुसीबत से आप ही बचा सकते हैं, हमें बाज बहादुर और उसके सिपाहियों से निजात दिलवाएं। ये एक हैरत की बात है, मगर ये सच भी हो सकती है। बेशक हुक्मरान के एक लम्हे के फैसले की गलती की सजा रिया को सदियों तक भुगतनी पड़ती है। तख्त शाही पर बैठकर शराब और शबाब की दोस्ती ने बड़े बड़े शाहों को तख्त से तख्ते तक पहुंचा दिया है। हमने आप लोगों पे गुजरे हुए जुल्म की दास्तान सुनी। मां बदौलत हर किसी गवारा नहीं करेंगे कि हमारे दरबार से कोई मायूस जाए। मजलूम की मायूसी सुनकर जमीन थर्राती है और आसमान कांपता है। मां बदौलत कल सुबह ही अपने दो सरदार मालवा भेजकर वहां के हालात दरियाफ्त करवाएंगे। आप सब इत्मीनान रखिए। आलमपना का इकबाल बुलंद हो। हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। आलमपना, जैसा हमने सुना वैसा ही पाया। आलमपना, हम आपकी लंबी आयु की दुआ करेंगे। सरदार पीर मोहम्मद और आदम खान को हमारे हुजूर में पेश किया जाए। आपने हमें तलब फरमाया जहां बना। हाँ, क्या आप लोगों ने रूपपति और बाज बहादुर का नाम सुना है? का नाम तो तमाम दुनिया जानती है जहां बना। हाके में मालवा बाज बहादुर बड़े ही सरकश, मगरूर और तलवार के धनी हैं। बड़े बड़े सूरमा उनके नाम से कांप उठते हैं। बहादुरी के साथ साथ खुदा ने उनको खुश आवाजें भी अता की है। कहते हैं कि वो संगीत सम्राट तानसेन के बहुत चहेते शागिर्द हैं, लेकिन रानी रूपपति के हुस्न ने उन्हें ऐसा दीवाना बनाया है कि वो तमाम सरकशी भूल गए हैं। और रानी रूपपति के हुस्न में पागल होकर उन्होंने तलवार फेंक कर हाथों में अपने साज उठा लिया है। इसमें बाज बहादुर का कोई कसूर नहीं आलमपनाह, रूपपति का हुस्न ही ऐसा है। उसके हुस्न को देखकर मुल्ला अपनी इबादत, सिपाही अपनी हिम्मत और बादशाह अपनी हैबत बुला देते हैं। कहते हैं कि उसके नूरानी चेहरे की एक झलक ही किसी को दीवाना बना देने के लिए काफी है। ऐसा हुस्न तो सदियों में होता है आलमपनाह। मां बदौलत ने भी यही सुना है, और जब से ये सुना है मां बदौलत को उन दोनों से मिलने का इश्तियाक हो गया है। हम जल्द से जल्द उन दोनों से मिलना चाहेंगे। अजीब इत्तफाक है आलमपनाह, खादिम कई दिनों से सोच रहा था कि सिर्फ मालवा एक ऐसा इलाका बाकी बचा है जिस पर हमारे दुश्मन सूर अफगानों का कब्जा बाकी है। हमें फौरन इस तरफ तवज्जो देना चाहिए। तुम गलत सोच रहे हो आदम खान, मां बदौलत बाज बहादुर का इलाका नहीं, उसकी दोस्ती हासिल करना चाहते हैं। लेकिन वो तो बहुत ही मगरूर इंसान है आलमपना, किसी को भी अपने खातिर पर नहीं लाता। जी हाँ आलमपना, और उसकी रियाया भी उससे खुश नहीं। क्या सबब है? उसके बाप शुजात खान को शेर शसूरी ने मालवा का हाकिम बनाया था। शुजात खान
बहुत ही जालिम हाकिम साबित हुआ। उसकी मौत के बाद उसका बड़ा बेटा मालवा का हाकिम बना, लेकिन बाज बहादुर ने अपने बड़े भाई को कत्ल करके मालवा की हुकूमत अपने हाथों में ले ली। रूपमती के इश्क ने उसे बुजदिल तो बना ही दिया है आलमपना, लेकिन साथ ही साथ वो हुकूमत के कामों से गाफिल भी हो चुका है। जी हाँ आलमपना, उसकी रियाया उससे सख्त नाराज है। हमें फौरन उसके खिलाफ फौजकशी करना होगी। पहले उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, ना माने तो तुम दोनों लश्कर लेकर मालवा की तरफ कूच करो। जिंदा बाश आलमपना। लेकिन ये ख्याल रहे कि मां बदौलत बाज बहादुर और रूपमती को जिंदा और सलामत देखना चाहते हैं। अगर उन्हें कुछ नुकसान हुआ तो मां बदौलत तुम दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इत्मीनान रखिए आलमपना, ये गुलाम आपसे वादा करता है उन दोनों के कोई खराश भी नहीं आएगी। तुम्हारी सूरत किताब जैसी।